तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन गिव टू इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा आंसर इस तरीके से है टू इम्पोर्टेंट यूजेज ऑफ वाशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा एज फर्स्ट वन वाशिंग सोडा के लिए है इट इज यूज इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री सोप इंडस्ट्री और ग्लास इंडस्ट्री जो है वो वाशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं सेकेंड वन है इट इज यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर जो कि परमानेंट हार्डनेस होती है पानी की उसको कम करने के लिए भी वाशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है ठीक है नेक्स्ट वन है बेकिंग सोडा इट इज़ यूज इन बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर के बारे में आपने सुना ही होगा ठीक है बेकिंग पाउडर इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड ए माइल्ड एसिड नोन एज टाटरिक एसिड ठीक है बेकिंग सोडा जो होता है वो अलग होता है बेकिंग पाउडर जो होता है अलग होता है बेकिंग पाउडर कैसे बनता है बेकिंग सोडा और माइल्ड एसिड जो कि पैटरिक एसिन जानी कि थोड़ा सा खटाई जो होती है उसमें काम आती है वेन इट इज़ हीटर्ड आर मिक्स इन वाटर जैसे ही वो हीट किया जाता है जब मिक्स किया जाता है पानी में वो सी ओ ट्यूब रिलीज करता है जिसकी वजह से जो ब्रेड और केक हैं वो फ्लफ़ी फ्लफ़ी होते हैं आपने सुना होगा बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा के बारे में जो कि डाला जाता है ब्रेड बनाने में केक बनाने में ठीक है तो वो फ्लफ़ी इसीलिए होता है क्यों क्योंकि जैसे ही उसमें पानी मिक्स होता है वो सी ओ ट्यूब रिलीज़ करता है और सी ओ ट्यूब रिलीज होने की वजह से ब्रेड जो होता है फ्लफ़ी बन जाता है नेक्स्ट है इट इज़ यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटीक्यूशन तो कभी कभी सोडा फायर एक्सटीक्यूशन का इस्तेमाल किया जाता है आपको बुझाने के लिए तो उसमें भी यूज़ किया जाता है आपके बेकिंग सोडा को जैसे ही बेकिंग सोडा को पानी की रिएक्शन में लाया जाता है उस टाइम पे सीओ टू रिलीज होती है जिसकी वजह से होती है फायर एक्सट्रीक्यूश ठीक है तो ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट एक्टिविटी भी है आपकी बुक में तो वो भी शायद आपने पढ़ रखी होगी आई होप क्वेश्चन समझ आ चुका होगा